वसईत एका तरुणाचा बाईकवर अपघात होऊन रस्त्यावर पडलेला महावितरणाच्या चालू वायरवर पडल्याने जागीच मृत्यू झाला आहे. जोसोवा परेरा असं या 17 वर्षीय तरुणाचं मयताचं नाव आहे. वसईच्या चुविणा येथे सेंट मेरी मदर येथे राहतो. त्याच्या इमारतीत 1.5 दिवसाचा गणपती येतं आणि जागरणासाठी सर्व सोसायटीतील मुलांसोबत मयत जोसोवा हाही थांबला होता. मात्र पहाटे आपल्या मित्रासोबत हा बाईकवर वसई किल्ला येथे निघाला. वसई किल्ल्याजवळ महावितरणाची LT लाईनची न्यूट्रल वायर पडली होती आणि दुर्दैवाने या दोघांची बाईकही त्याच ठिकाणी पडली. त्या वायरच्या संपर्कात आल्याने जोसोवा याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. मागे बसलेल्या मित्राने विजेचा झटका लागल्याच सांगितले आहे. पोलिसांनी मात्र विजेचा झटका लागला होता का बाईकवर पडून लागल्यामुळे मारामुळे त्याचा मयत झाला आहे याचा तपास करण्यासाठी जोसोवाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी मुंबईच्या JJ रुग्णालयात पाठवला आहे. महावितरणानेही घटनेबद्दल आत्ताच काही सांगता येणार नाही असं सांगितलं आहे. शवविच्छेदन अहवालानंतर सर्व गोष्टीचा उलगडा होईल. मात्र ही दोन मुले ज्यावेळी बाईकने जात होती त्यावेळी त्यांनी 4:15 चालू बाईकवर व्हिडिओ काढला होता आणि तो इंस्टाग्रामवर अपलोडही केला होता. तो जोसोवाचा अखेरचा व्हिडिओ ठरला आहे. क्या बताएंगे कल के इंसिडेंट के बारे में? मैंने आज जाके वहाँ पे स्पॉट पे देखा, कल वहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ, जो डेथ हुआ, वो इस चीज़ के लिए हुआ क्योंकि वो MLC का जो वायर है वो वायर रास्ते पे था और वो जो एरिया है वो पूरा डार्कनेस एरिया है, पर वो डांबर का रास्ता है. अगर डांबर के रास्ते पे पूरा डार्कनेस है, गाड़ी तो कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं. पर तुम्हारा इधर स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिक वायर गिर रहा है. इलेक्ट्रिक वायर गिरने से बहुत सारे ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका है और ये आज हमारा तीसरा है जो हमारा फैमिली फेस कर रहा है. ये चीज़ की वजह से अभी हमने सवेरे जब हमने पुलिस स्टेशन में हमको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, जब वो लड़के ने बताया कि नहीं उसका पैर में वो पूरा वायर लटका था तो उसने वो हाथ से निकाला. अच्छा, हाथ से अगर निकाला रहेगा तो फिर बाद में ये लोग ने क्या किया? अभी हम लोग ने जब सवेरे जाके देखा तो वायर ऑलरेडी अटैच्ड है. अगर तुम अगर एक मिनट में एक्सीडेंट के बाद अगर अटैचमेंट कर सकते हैं तो ये पहला क्यों नहीं कर सकते? और ये अगर पहला क्यों नहीं कर सकते तो हम लोग ने अभी फैमिली फेस कर रही है दर्द जो भी है. क्या क्या नाम था उनका? कितने बजे वो निकले वहाँ से और कौन कौन साथ में था? मेरा एक्चुअली जो बाइक चला रहे थे वो उसका बाइक नहीं था, वो उसके साइड नेबर का बाइक था. उसका साइड नेबर ने बाइक चुपका चाबी चुपचाप से घर से लिया और ये लोग दोनों गए. अब गाड़ी जो अभी अलाइव है, जो पीछे बैठा था बोल रहा है, जिसने स्टेटमेंट दिया है कि मैं उसके साथ में हूँ, वो बोल रहा है कि मैं पीछे बैठा था और वो गाड़ी चला रहा था. अगर वो गाड़ी चला रहा था तो इंस्टाग्राम का वो जो वीडियो निकाला तो उसका कैसा निकलेगा? क्या इन लोग कैसा चला रहे थे मतलब? तो फिर बाद में हम लोग ने जब वहाँ पे गए तो देखा, जब पुलिस से भी बात की तो ये वायर वायर सब कुछ अटैच करता है, सब कुछ हो गया था. अभी कुछ भी ऐसा नहीं था कि देखने चाहिए या कुछ कंप्लेन करना है, इसीलिए हमने ऑलरेडी फ़ोटो खींच के भी रखा है. किसकी लापरवाही बोली? ये MSCB का लापरवाही है. ये रात में कहाँ पे बैठे थे, कहाँ से? ये रात में कैसा है, ये रोड है. अगर रोड बनाते हैं तो वो ट्रैवलिंग के लिए बनाते हैं, या तो कहीं से आना जाना या कुछ ट्रांसपोर्टेशन वो उसके लिए. वो रोड पे जो मेन वसई किला पोर्ट है उसके ऊपर कोई भी लैंप पोस्ट नहीं है या रोड स्ट्रीट लाइट नहीं है.